जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एमएस वर्ड की एक सीरीज देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि हम क्विक पार्ट्स का कैसे यूज करते हैं, वर्ड आर्ट का कैसे यूज करते हैं, ड्रॉप गैप ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। चीज है क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स क्या करता है, अगर कोई भी फुल फॉर्म है ना, कोई भी वर्ड है और उसका कोई फुल फॉर्म है, तो हम उसके नेम को टाइप करते उसके फुल फॉर्म को ला सकते हैं क्विक पार्ट्स की मदद से। जैसे देखिए यहाँ पर क्विक पार्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ना। यहाँ पर देखो ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यहाँ कुछ फील्ड्स है, तमाम ऑप्शन दे रखा है। ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी ना। तो यहाँ पे अपने क्विक पार्ट्स को आप बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, सीपीयू वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में आ गए और क्विक पार्ट्स में आ गए। अब यहाँ देखो ऑटो टेक्स्ट में आ गए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। अब इसका नाम पूछा जा रहा है, नाम इसका रख दिए सीपीयू, कैटेगरी हो गई ऑटो टेक्स्ट ना, गैलरी हो गई, ये हो गया जनरल, और यहाँ सेव इनटू नॉर्मल में कर दिए, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कंटेंट एंड इट्स ओन पैराग्राफ। अगर केवल कंटेंट चाहिए तो कंटेंट, पेज चाहिए तो पेज, और पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ को हम इंसर्ट कर सकते हैं। आपके इंसर्ट करा समझ आ रहा ना, जो चीज आपको इंसर्ट कराना है आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देखो लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, एक जगह दे रखा था एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दे रखा है ना, इसको हमने करके कर दिया ओके। तो क्या हो जाएगा, एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को जब लिखकर आप सेव कर देंगे तो उसी फाइल में जाके वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिज्यूम, मान लो ये हमारी रिज्यूम की फाइल, ठीक है, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। अब इसको जैसे हम यहां से करेंगे क्लोज, ये देखो ये रिज्यूम वर्ड हमारा यहाँ लिखा हुआ आ गया। ये सिर्फ वर्ड नहीं, ये पूरी की पूरी फाइल है। इसको अगर आपको एडिट करना होगा तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, अगेन ये ओपन हो जाएगा, और इसमें जो भी कंटेंट रहेगा ये अलग फाइल है, उसको अपने यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। मान लो एक्सेल की कोई टेबल थी आपके पास, हम इसको बंद करते रहेंगे, हमारे पास कोई एक्सेल की टेबल थी जिसमें स्टूडेंट की लिस्ट दी गई, यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सेल की टेबल है जिसमें ढेर सारे स्टूडेंट की लिस्ट पहले से बनी बनाई है, उसको अपने वर्ड में हम लाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम इंसर्ट पर जाएं, ऑब्जेक्ट पर जाएं, और ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट या वर्कशीट, और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर दें ओके। ओके करने के बाद ये सीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ जो भी डेटा हम तैयार करेंगे ये डेटा एक्सेल में हमारा तैयार होगा, और जब इसको सेव करेंगे तो वर्ड में आके ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बच्चों की लिस्ट बनानी है तो हमने यहाँ भर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे हमने दे दिया नेम, यहाँ पे हमने दे दिया कोर्स, ठीक, और यहाँ पे हमने दे दिया फीस, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया 4075, बच्चे का नाम दे दिया रमेश ना, कोर्स कर दिया डीसीए, और फीस कर दिया 13,500। फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे 4076, यहाँ दे दिया हमने नाम सुरेश, ठीक है, कोर्स कर दिया एडीसीए, एडीसीए, और फीस कर दिया 15,000। हाँ, फिर यहाँ कर दिया हमने 4089, यहाँ कर दिया राजेश ना, फिर यहाँ कोर्स कर दिया एडीएफए, फीस कर दिया 15,000। ये डेटा हमारा किस पर बना है, एक्सेल पे बना है, और इस डेटा को जैसे हम यहाँ फाइल में आके सेव करेंगे,
या कंट्रोल यस से हम इसको सेव करेंगे, ये डायरेक्टली हमारा वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा ना। तो ये फाइल हमारी किसकी है, एक्सेल की है। इसका साइज वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ देखो इसके साइज को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर और है, वो ऑप्शन है डिस्प्ले एज आइकन का। हम देखो नई चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ कंट्रोल एन से नई फाइल पे आइए और यहाँ पे हमने इंसर्ट के ऑप्शन पर आ गए ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ सेलेक्ट कर लिया एक्सेल वर्कशीट, और वर्कशीट सेलेक्ट करने बाद डिस्प्ले एज आइकन के ऑप्शन पे कर दिया हमने क्लिक, तो ये इस तरीके का आइकन बन के आ जाएगा, और यहाँ कर दिया हमने ओके। अब ये सीट हमारा बन के तैयार, लेकिन ये सीट कैसे दिखेगा, ये सीट यहाँ आइकन के रूप में दिखाई देगा, ये पूरा खुलकर ये सीट नहीं रहेगा। जैसे इसके पहले जो हमने बनाया था वो ओपन आपको दिख रहा था, ये देखो ये ओपन आपको सीट दिख रहा है, एक्सेल सीट आपको ओपन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सीट हम बनाएंगे वो सीट हमको केवल आइकन के रूप में यहाँ दिखाई देगा, और इसमें जो भी डेटा हमें भरना होगा हम यहाँ से डेटा अपना भर सकते हैं। हमने भर दिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, नेम, कोर्स और फीस, ठीक है, और कुछ डेटा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, पुराने सीट से हमने डेटा को यहाँ से कर लिया कॉपी। ये देखो ये डेटा हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कर लिया कॉपी, और नया वाला जो सीट है वहां पे हम कर देंगे यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट। ठीक है, इसको हमने फाइल में आके कर दिया सेव, सेव करके हमने इसको कर दिया बंद। अब देखो ऊपर से ये डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा नहीं कि इसके भीतर कंटेंट क्या है, तो इसके भीतर ये डॉक्यूमेंट आपको कंटेंट दिखाई नहीं देगा, बस आपको जब इसमें काम करना होगा तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और यहाँ जो भी चेंजेस करना है आप चेंजेस कर लेंगे, करने के बाद सेव कर देंगे, सेव करने के बाद बंद कर देंगे। ये फाइल आपको केवल एक आइकन के रूप में यहाँ दिखाई देगी, जिस आइकन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। बात समझ आ रहा ना, ये सिर्फ आइकन के रूप में आपको दिखाई देगी, रियल में इसके भीतर डेटा है लेकिन ये डेटा आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। जब अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब जाके ये डेटा आपको बाहर से दिखाई देगा, या इसमें जो भी चेंजेस करना है ये चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन किस कैसे आया, ये आया डिस्प्ले एज ए आइकन से। जब भी हमें इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले एज ए एज आइकन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑप्शन देगा, जैसे बिट मैप इमेज है, इमेज का आइकन दे रखा है ना, एक्सेल की सीट होगी तो एक्सेल का आइकन देगा, चार्ट होगा तो एक्सेल के चार्ट का आइकन देगा, ग्राफ होगा तो ग्राफ का आइकन देगा, पावर पॉइंट की स्लाइड होगी तो स्लाइड का आइकन देगा, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा तो वर्ड का आइकन देगा, तो जिस तरह की फाइल होगी उस तरीके का आइकन ये आपको देता चला जाएगा, वर्ड पैड की फाइल होगी तो इस तरीके का आइकन आपको देगा। ये डेटा आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा, ये डेटा वास्तव में यहाँ सेव है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देगा, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इसमें जो भी चेंजेस करना है आप चेंजेस करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत होती है, ये शांत रहिए, बहुत सारी जगहों पर मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत, जैसे मान लो मैथ का कोई फार्मूला आप लिख रहे हैं तो फार्मूले के हर सिंबल को टाइप करके बनाया नहीं जा सकता, जैसे मान लो ये पाई का सिंबल है इसको कैसे बनाएंगे, पॉसिबल है नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, कोई फार्मूला आपको इंसर्ट कराना है तो फार्मूले कुछ रेडीमेड फार्मूला यहाँ दे रखा है, जैसे बायनामियल थ्योरम दे रखा है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे ये फार्मूला ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कोई फार्मूला इंसर्ट करना है तो आप आ जाए इंसर्ट पर, इंसर्ट पे आने बाद इक्वेशन पर आइए, जो फार्मूला आपको इंसर्ट करना है यहाँ अगर आप टाइप करके बनाना चाहें तो टाइप करके बना सकते हैं, और रेडीमेड अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप इंसर्ट पर आए, इक्वेशंस पर आए, और यहाँ पे जो फार्मूला आपको इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लें, वो फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो, क्योंकि इस तरह से फार्मूला टाइप करके बनाना संभव नहीं है, देखो इसमें कितने सारे सिंबल्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपको खुद से फार्मूला बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, जिस सिंबल का यूज करके आपको बनाना है वो सिंबल का यूज करके आप यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। उसके बाद कुछ सिंबल्स आपको दे रखे हैं, आप इंसर्ट टैब के ऑप्शन पर जाएंगे
तो सबसे लास्ट में आपको सिंबल दिखाई देगा, आप सिंबल पे करेंगे क्लिक। यहाँ कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पहले से दे रखे हैं, जैसे ये देखो कॉपीराइट का सिंबल है सी, आप यहाँ क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, हम नई जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं, हम सिंबल पे आ गए और यहाँ पे हमने कॉपीराइट के ऑप्शन पे कर दिया क्लिक, ये सिंबल हमारा इंसर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, तो जो भी सिंबल आपको इंसर्ट कराना है आप इंसर्ट के टैब के ऑप्शन पे जाएंगे और सिंबल में आएंगे, और सिंबल में देखो यहाँ तमाम सिंबल आपको दे रखे हैं, जैसे टीएम का सिंबल है, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क ना, आपने टीएम लगा दी, बहुत जगह आपने देखा होगा वर्ड के ऊपर टीएम लिखा हुआ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया जी आई टी, अब हम ये चाहते हैं जी आई टी की जो लिखावट है इसको कोई दूसरा यूज ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके हम यहाँ सिंबल्स में आ गए और हमने यहाँ कर दिया टीएम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रेडमार्क बन जाएगा, जी आई टी के ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो जहां पर भी आपको ट्रेडमार्क बनाना है अब वहां पे आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट सिंबल पे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे बीटा हो गया, ये पाई का सिंबल हो गया, ये एप्साइलम का सिंबल हो गया, ये कुछ इमोजीज दे रखे हैं, मोर सिंबल्स पे आएंगे आपको ढेर सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जिस तरीके का सिंबल चाहिए उस तरीके का सिंबल आप सेलेक्ट कर लीजिए, हर सिंबल की कुछ शॉर्टकट कीज भी दे रखी है, जैसे देखो टीएम की शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल और टी ना, तो आप कहीं पे भी अल्ट कंट्रोल और टी का यूज करके ट्रेडमार्क को इंसर्ट कर सकते, देखो ये आ गया, देखिए आ गया ना, जहां पे भी आपको ट्रेडमार्क लाना है पहले साइज वगैरह आप सेट कर लीजिए कितना बड़ा आपको बनाना है, फिर उसके बाद अल्ट कंट्रोल और टी ऑप्शन का यूज करेंगे, ट्रेडमार्क ही बन के तैयार। ये कुछ रेडीमेड सिंबल दे रखे हैं, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट में जरूरत होगी वहां पे आप इसका यूज कर सकेंगे ना, तो इंसर्ट टैब में इतने ही ऑप्शन थे, ये जो क्विक पार्ट है इसको हम कल एक बार और बताएंगे, क्विक पार्ट बहुत पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको हमें देखना पड़ेगा ना, क्विक पार्ट्स वाला ऑप्शन हम रिवीट कर देंगे, बाकी ऑप्शन आप एक बार यूज करके देखिए कि ऑप्शन कैसे काम आते हैं। हाँ हालांकि इसमें जो वैसे ऑप्शन है जो बहुत कम इंसर्ट होने हैं, इक्वेशंस वगैरह लिखने में जरूरत पड़ेगा इक्वेशंस का, कहीं सिंबल बनाना तो आप सिंबल बना सकते हैं, डेट और टाइम अगर कहीं इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो ज्यादातर ये ऑप्शन आपको जो है दिखाई देंगे, बाकी ये ड्रा का तो एक नया टैब ही दे दिया है इसमें। ठीक है, तो ये ड्रा टैब कल आपको बता दिया जाएगा, डिजाइन वगैरह करने के लिए दे रखा है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, तो इंसर्ट का यूज कर लेंगे ये ना, क्विक पार्ट्स में आपको कल दोबारा बता देंगे एक बार, थोड़ा सा हम देख के आएंगे एक बार क्विक पार्ट्स आपको रिपीट करके हम अच्छे से बता दें, बाकी आप यूज करके देख लें वर्ड आर्ट का यूज कैसे करना है। ठीक है, ड्रॉप कैप का यूज हमने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया, सिग्नेचर की लाइन का इंसर्ट करनी तो कैसे करेंगे, डेट और टाइम का कैसे इंसर्ट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशंस आपको दे रखे हैं और आपको सिंबल दे रखे हैं, इन सब का यूज करके आज आप देख लीजिए, बाकी कल से आपको ड्रॉ टैब है, डिजाइन टैब, बहुत सारे टैब है बचे हैं। तो भाई